नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद CNC बेसिक पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बेयरिंग क्या होता है और बेयरिंग पर लिखे नंबर का क्या मीनिंग होता है। दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज्यादा करते हो, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ नंबर आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि ये डिजिट यानी कि ये जो नंबर होता है ये डिजिट होता है। और एग्जाम्पल के लिए कुछ बेयरिंग का नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये नंबर ऑफ डिजिट यानी कि यहाँ पे कितने डिजिट है वो इस डिजिट को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये 1205 ये बेयरिंग का नंबर होता है। इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पे डिजिट इसका 1 है। ठीक है, यहाँ पर टोटल डिजिट कितने हैं, 4 है। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर टोटल 4 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा हूँ। और यदि बेयरिंग पर इस तरह से ये नंबर लिखा रहा है तो ये किस टाइप का बेयरिंग है, यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस तरह का यदि नंबर लिखा रहा है तो ये होता है सेल्फ अलाइनमेंट बेयरिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नंबर होता है इसी नंबर के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बेयरिंग क्या होता है। बेयरिंग कोई भी रोटेटिंग पार्ट को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए हम वहाँ पे बेयरिंग का यूज़ करते हैं। और आप लोगों ने बेयरिंग जरूर देखा होगा कि अलग अलग टाइप का बेयरिंग होता है। कोई बेयरिंग बॉल बेयरिंग होता है, कोई स्फेरिकल टाइप होता है, कोई रोलर टाइप होता है, तरह तरह का बेयरिंग होता है। तो ये किस तरह, ये स्फेरिकल टाइप का बेयरिंग है या रोलर टाइप का बेयरिंग है, हम किस तरह से समझेंगे, तो ये जो नंबर होता है ये नंबर देख करके हम समझ जाएंगे कि ये स्फेरिकल टाइप है या रोलर टाइप है या बॉल टाइप है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे देखिए, अभी मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1205 लिखा हुआ है, इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है, 1 है, यानी कि इसका पहला डिजिट 1 है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने डिजिट है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यानी टोटल 4 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे डिजिट 4 है। और इस तरह से यदि नंबर लिखा रहा है, इस नंबर को कहते हैं सेल्फ अलाइनमेंट बेयरिंग। यानी कि यदि इस टाइप के बेयरिंग में यदि ओवरलोड या वाइब्रेशन के कारण ये बेयरिंग यदि आप डिसअलाइनमेंट हो जाता है, तो ये इस टाइप का बेयरिंग ऑटोमेटिक अपने आप को अलाइनमेंट कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2215 यानी कि इस टाइप के बेयरिंग में इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है, 2 है, इसलिए इसका डिजिट 2 हो जाता है। ठीक है, इसमें टोटल कितने डिजिट है, देखिए 1 2 3 4 5 इस टाइप के बेयरिंग में टोटल 5 डिजिट है, यानी कि यहाँ पर डिजिट कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। अब इस तरह का यदि नंबर दिया रहा तो किस टाइप का बेयरिंग होता है, देखिए स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, यानी कि ये जो बेयरिंग होता है रोलर टाइप का बेयरिंग होता है, स्फेरिकल, जो कि बेयरिंग के ऊपर रोटेट होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ये नंबर दिखाई दे रहा है 2206, यहाँ पे देखिए इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है, 2, इसलिए इसका डिजिट 2 हो गया। इसमें टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4 यहाँ पे टोटल 4 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे डिजिट 4 हो गया। ठीक है, जब ये नंबर लिखा रहा है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए सेल्फ अलाइनमेंट बेयरिंग, यानी कि इस टाइप के बेयरिंग भी सेल्फ अलाइनमेंट बेयरिंग होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस तरह का नंबर आप देख करके ही, जब ये नंबर आपको याद है, इस नंबर का मीनिंग आपको पता है, तो ये नंबर देख करके ही आप बता दीजिएगा कि इस टाइप का बेयरिंग सेल्फ अलाइनमेंट बेयरिंग होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे देखिए 3307 ये, यानी कि इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है, 3 है, इसलिए यहाँ पे इसका डिजिट 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने डिजिट है, देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 डिजिट, इसलिए यहाँ पे डिजिट 4 हो गया। ठीक है, यदि इस तरह का नंबर लिखा रहा है इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखिए डबल रो एंगुलर कंटेंट, इसका मतलब ये होता कि इस टाइप के बेयरिंग में दो रो होते हैं, यानी कि बेयरिंग आप यदि देखे होंगे तो उसमें दो रो होता है, एंगुलर टाइप का दो रो होगा इस तरह से, उसी के ऊपर में ये स्फेरिकल टाइप से रोटेट होता रहेगा, यानी कि इसमें डबल रो, यानी कि किसी किसी बेयरिंग में बॉल होता है और किसी किसी बॉल बेयरिंग में रोलर होता है। तो यहाँ पर देखिए डबल रो एंगुलर कॉन्टेक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर जो बॉल या रोलर बैठा रहेंगे वो एंगुलर टाइप में बैठा रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नंबर देख करके आप लोगों को समझ लेना है कि ये डबल रो एंगुलर कॉन्टेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए 3216 यानी कि इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है, 3 है, इसलिए इसका डिजिट 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिजिट, यानी कि इसका डिजिट 5 हो गया। और इस तरह का नंबर यदि दिया रहा है इसका मीनिंग क्या होता है, टेपर रोलर बेयरिंग, यानी कि इस तरह का यदि कोई नंबर दिया रहा है तो वो बेयरिंग टेपर रोलर होता है। आप लोगों ने देखा होगा किसी में बॉल रखता है, किसी में रोलर रखता है, वो रोलर टेपर टाइप का भी होता है, फ्लैट टाइप का भी होता है, यानी कि टेपर टाइप का होता है, राउंड होता है। तो यहाँ पे
इस नंबर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो रोलर हम लोग यूज करें वो टेपर टाइप का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चार नंबर 4207, यानी कि देखिए इसका स्टार्टिंग डिजिट क्या 4 है, इसलिए यहाँ पे इसका डिजिट 4 हो गया। यहाँ पे टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4, यानी कि इसका टोटल 4 डिजिट है, इसलिए ये यहाँ पे डिजिट 4 लिखा हुआ। और इस तरह का यदि नंबर लिखा रहा है इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये डबल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो बेयरिंग के ओडी पर जो यहाँ पे बॉल बैठा रहेंगे या रोलर बैठा रहेंगे दो एक साथ बैठा रहेंगे, ये जब रोटेट होंगे तो दोनों एक साथ रोटेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का नंबर का मतलब होता है कि डबल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग है। ठीक है नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए ये 5106, इसका मतलब इसका स्टार्टिंग नंबर क्या 5 है, इसलिए यहाँ पे डिजिट 5 हो गया। टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट है, इसका मतलब है कि इसका डिजिट 5 हो गया। और यदि ये नंबर लिखा रहा है इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये थ्रस्ट बेयरिंग होता है। इस नंबर, इस तरह का नंबर यदि देखते ही हम समझ लेना है कि इस टाइप का बेयरिंग है, थ्रस्ट बेयरिंग होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 6306, ये इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है, 6 है, यानी कि ये 6 हो गया। यहाँ पे टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 4 डिजिट। इस तरह का यदि डिजिट दिखाई दे इसका मतलब ये होता है कि ये सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग है, यानी कि इसमें सिंगल रो होता है और डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग होता है, यानी कि ये बॉल टाइप का बेयरिंग होता है, इसमें ग्रुप टाइप का होता है। ठीक है नेक्स्ट, ये हो गया सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए 7305, यानी कि इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है, 7 है, इसलिए यहाँ पे इसका डिजिट 7 हो गया। और यहाँ पे इसका टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 4 डिजिट हो गया। और यदि ये नंबर लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखिए सिंगल रो एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग, यानी कि यहाँ पे सिंगल रो, अभी आप लोग बतलाया था कि दो होता है, सिंगल रो और डबल रो। सिंगल रो में क्या होता है कि उसमें रोलर या बॉल यदि बैठेगा तो एक ही बैठेगा, और डबल होता है मतलब कि यदि रोलर या बॉल बेयरिंग यदि बैठे तो दो बैठेगा और दोनों एक ही साथ रिटर्न होता है। तो यहाँ पे सिंगल है यानी कि एक बॉल या रोलर इसमें बैठेगा, ये ग्रुप टाइप का है, यहाँ पे एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग ये एंगुलर टाइप में बैठेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए कि इस बेयरिंग में इस तरह का नंबर का क्या मतलब होता है और बेयरिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप नए नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।